السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شبي اسمي अच्छा भाई, हम लोग पहुंचे थे। चलिए जी, कंटिन्यू करते हैं। अब इन जर्नल जो है, ये जो स्टेट्स रिमूव करते हैं हम, उसका मैकेनिज्म होता है। यहाँ पे आपने ये देखा कि इसको हमने इसी तरीके से लिख लिया। यहाँ पे पहुंचे थे हम, बल्कि प्रीवियस से थोड़ा सा कैरी करते हैं। यहाँ पे Q0 से Q2 पे आप कैसे आते हैं, B, B का स्टार और A प्लस B, B, B का स्टार और A प्लस B। Q2 से Q0 पे आने का कोई वे नहीं है, Q2 से एक लूप है वो इधर ही आ गया, और Q0 से एक लूप है कि आप B के लिए Q1 पे आए, फिर ये B का लूप है और फिर A से वापस Q0। तो Q0 पे B, B स्टार और A आ गया। इसी तरीके से आगे हम जाते हैं तो यहाँ से अब इन दोनों स्टेट्स को हम खत्म करने लगे। कैसे, ये एक लूप है बी बी स्टार ए, इसके साथ चाहे तो आप सर्कल लें चाहे ना लें, तो इसके साथ स्टार आ गया, ये एज इट इज आ जाएगा। और यहाँ पे भी आपका बी का स्टार है तो ये बी का स्टार आ गया। तो ये आपके पास क्या आ गया, रेगुलर एक्सप्रेशन आ गया। इन जनरल जो वे है आप किसी स्टेट को कैसे एलिमिनेट करते हैं, उसका मैकेनिज्म देखिएगा कि यहाँ पे आवाज तो आ रही है आप लोगों को क्यों भाई? यस सर, आ रही है। चलो, यानी कि बात आ गई। बच्चों के तो माइक बंद करके, या तो ये लोग सो रहे हैं तो या ये कंप्यूटर चला के कहीं आगे पीछे चले गए कि चलो वीडियो आ जाएगी। अच्छा, ये मुझे बैर ने ऑन किया था, उसने भी बंद कर दिया। चलो अच्छी बात। चलो यहाँ पे हम पहुंच गए। इन जनरल आप लोगों ने ये ड्यूटी नहीं लगाई कि एक बंदे ने क्लास अटेंड करनी है, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास अगले ने करनी है, उससे नेक्स्ट अगले ने, ऑनलाइन सभी हो जाएंगे, कुछ ऐसा तो नहीं है? अच्छा, अब इन जनरल वे जो है वो स्टेट्स को रिमूव करने का वो क्या है, कि जैसे यहाँ पे कोई स्टेट क्यू आई है, यहाँ पे कोई स्टेट क्यू जे है, तो अब क्यू स्टेट को हमने एलिमिनेट करना है। तो उसका वे ये है कि क्यू आई से क्यू जे पे जाते हुए हमें किस पाथ को फॉलो करना पड़ता है। यहाँ से देखें, ये ए है, फिर ये ई का जो है लूप है और फिर बी है। तो हमने ये शो किया है कि क्यू आई से क्यू जे पे जाते हुए ए, ई का लूप और बी, और उसके बाद क्यू जे से क्यू आई पे अगर आप आते हैं तो आपके पास एक पाथ है सी है, फिर ये ई का लूप है और डी है। तो यहाँ से सी, ई का स्टार हो गया और डी, फिर क्यू जे के ऊपर यहाँ से एक लूप है सी, ई स्टार और बी, तो सी ई स्टार बी, और इसी तरीके से क्यू आई पे एक लूप है ए, ई स्टार बी, ए ई स्टार बी। तो इस तरीके से जो है आपने ये स्टेट को एलिमिनेट किया। ये भाई, ये शोर वाला माइक बंद कर ले, सारे लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। कौन है ये? रूपा की तरफ से शोर आ रहा है? नहीं, रूपा की तरफ से नहीं, फौजिया की तरफ से आ रहा है। चेक करते हैं। और कोई? चलें जी, सारे एक नंबर हो गए। अच्छा, बिल्कुल।
इसके बाद ये एक जनरलाइज वे था जिससे आप क्या करते हैं कि आप एलिमिनेट करते हैं बाय रिपीटिंग द प्रोसेस अनटिल टू स्टेट्स आर लेफ्ट। इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू करते हैं जब तक के सिर्फ दो स्टेट ना रह जाए। द रिजल्टिंग ग्राफ जो लास्ट में हम लिखते हैं वो रिजल्टिंग एक्सप्रेशन जो हमारे पास ये आर वन का स्टार है लूप है तो आर वन का स्टार लगा दिया। फिर ये क्यू जीरो के ऊपर जो एक लूप है आर टू और आर थ्री का तो या एक और भी है ना क्यू जीरो से क्यू जीरो पे वापस आते हुए आर टू आर फोर का लूप एक ये आर वन का लूप था आर टू आ गया आर फोर अब ये हमारे पास आ गया जी आर टू फिर आ गया हमारे पास आर फोर का लूप ये आर फोर या आर थ्री आर वन का लूप आर थ्री आर वन स्टार या आर टू आर थ्री आर वन का लूप और आर टू एक तो ये चीज बन गई या एक आर फोर बन गई। ये वाली सारी चीज जो है वो आर क्यू एफ के मुतल्लिक है क्यू जीरो से एक ये आर एक ये और फिर ये सारा लूप ये सारी चीजें जैसे लिखी गई। इसकी समझ आई कि नहीं क्यों भाई एनीवन नहीं सर मैं रिपीट करता हूँ। अच्छा जी यहाँ पे पहली चीज ये वाला जो है इससे इस डायग्राम से रिजल्टिंग रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनाया है इस चीज को देखते हैं। पहली बात ये है कि हमारे पास एक तो ये Q0 पे एक ये लूप है सिर्फ सिंपल R1 का लूप है वो तो ये R1 स्टार आ गया ठीक है जी। फिर हमारे पास ये R2 पे जाते हैं या ये R2 पे जाए फाइनल पे आ गए ठीक है एक पॉसिबिलिटी ये है वो ये आ गया R2 और फाइनल पे जाने के बाद अब आपकी मर्जी है आर फोर एक मरतबा ले तब भी फाइनल पे है या अब देखो आर टू तो हुआ ही है आपकी मर्जी है इसके साथ ये जोड़ लें आर फोर को बल्कि इससे भी पहले हमने असल में रेगुलर एक्सप्रेशन अगर आप पिछली स्लाइड पे देखें मैं आपको दिखाता हूँ ये वाली स्लाइड इस पे हमने क्या किया था कि हमने क्यू जीरो से क्यू टू पे आते हुए किस चीज से हमें गुजरना है वो हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन है। आपकी मर्जी है क्यू जीरो से ये लूप लगाएं तो ये आपके पास ये इतनी चीज आ गई। ये स्टार लगाने का मतलब है जीरो भी हो सकता है लूप लगा भी सकते हैं एक दफा दो दफा दस दफा बीस दफा लूप लगा भी सकते हैं या कोई एक मरतबा भी ना लगाएं तो आपकी मर्जी है डायरेक्ट आप सिर्फ यही चीज लेके यहाँ पे आ जाए तो आपका रेगुलर एक्सप्रेशन मुकम्मल। तो इसलिए इसको इसने क्या कर दिया स्टार। फिर आ गया ये तो लाजमी है तो इसलिए ये वाला बी पी स्टार ये यहाँ तक लाजमी हो गया ठीक है। इस पे भी अब आपके पास ऑप्शन है बी की कि बी को आप जीरो टाइम या मोर टाइम आप करना तो बी के साथ स्टार लें। तो मेन रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है स्टार्ट स्टेट से लेके एंड स्टेट तक जाते हुए आप मर्जी है कौन सा रास्ता अडॉप्ट करते हैं और रेगुलर एक्सप्रेशन हर रास्ते को सपोर्ट करता है जो आपकी ख्वाहिश में आए ठीक है। अब आते हैं उसकी तरफ। अब यहाँ पे भी यही है क्यू जीरो से यानी इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे जाते हुए आपकी कोई भी ख्वाहिश हो वो इस ये रेगुलर एक्सप्रेशन मीट कर जाए इसका मतलब आपने सही बना लिया। अब एक ख्वाहिश ये हो सकती है कि आप यहाँ पे चक्कर लगाए आर वन का तो आपने यहाँ पे आर वन स्टार्ट दे दिया लगाएं या ना लगाएं ठीक है एक ये ऑप्शन होगी। फिर दूसरी ऑप्शन ये है कि आप कुछ भी नहीं करते सिर्फ R2 लेते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं तो आपकी ये ख्वाहिश यहाँ पे R2 से पूरी होगी। ये सारे का सारा एक्सप्रेशन जो है ये स्टार के साथ है कि ये दरमियान वाला काम करें या ना करें। अच्छा दिल में ख्वाहिश आएगी यहाँ आके आप एक और काम करें कि R4 को घुमाएं
तो आपकी ये ख्वाहिश इस R4 के साथ आ जाएगी, ये स्टार इसके साथ लगाओ। इनमें से कोई एक अडाप्ट करना है, चाहे ये करे चाहे ये करे, यानी यहाँ पहुंच के आप R4 को घुमाना चाहते हैं तो R4 और ये स्टार आ गया। ये अब आप R4 को नहीं घुमाते, आप कहते नहीं मैंने ये R3 को यूज करना है, आप R3 यूज करें और R2 यूज करें। तो आपने यहाँ पे R3 एक मरतबा और R3 के बाद ये, अच्छा एक ऑप्शन ये है कि आप यहाँ से यहाँ पे आए और उसके बाद R1 को फिर घुमा दें, तो आपके पास एक ऑप्शन आ गई R3 और R1 को घुमा दिया और फिर जो है R2 पे उसके जरिए फिर वापस आ गए, तो एक ये बात बन। ठीक है, इसका मतलब ये है Q0 से QF पे जाते हुए आप जितना जहाँ जहाँ से सैर करना चाहें या ना करना चाहें, ये सारा रेगुलर एक्सप्रेशन फुलफिल कर रहा है। अब समझ में आई क्यों भाई? जी सर जी, ये स्पेट्स रिमूव कैसे करनी है, उसके लिए कोई रूल? कौन सी क्या चीज़? स्टेट रिमूव कैसे करनी, इसको देखते हैं। ये यहाँ पे जनरलाइज स्टेट है, स्टेट रिमूव फर्ज किया, आपके पास कोई क्यू आई स्टेट है और ये आपके पास कोई क्यू जी स्टेट है, आपने इस क्यू स्टेट को ख़त्म करना है। तो आपने Q1 से QJ पे जाने के लिए कौन कौन सा पाथ है? एक पाथ ये है कि A और ये B है, या A और E के ऊपर जो है आप ये लूप है और B। तो आपने क्या कहा जी, QI से QJ पे जाते हुए A, E का लूप और B, ये आपके पास एक QI से Q जाने का रास्ता हो गया। दूसरी ऑप्शन ये है QJ से QI पे आने की एक रास्ता, वो क्या है? C है, ई का स्टार है और डी, तो सी ई का स्टार और डी। फिर एक और ऑप्शन है यहाँ क्यू आई के ऊपर, आपके पास ऑप्शन है कि आप यहाँ पे एक लूप घुमा सकते हैं, कैसे? ए ये ई का स्टार और डी, तो आपने ये ए ई का स्टार डी दे। इसी तरीके से क्यू जे के ऊपर आपके पास है कि आप लूप घुमा सकते हैं, यहाँ से यहाँ पे आए फिर ये लूप और यहीं पर वापस, तो आपने ये सी ई स्टार और डी बना, सी ई स्टार और डी, तो और फिर ये दरमियान में स्टेट खत्म करना। तो यानी वो काम जो इस स्टेट की मदद से होता था, इसके बगैर भी आप सारे काम, वो सारे बात अचीव कर सकते हैं। ठीक हो गया भाई? क्यों भाई, समझ आई कि नहीं? जिसने क्वेश्चन पूछा था वो जवाब नहीं दे रहा। ठीक हो गया? तो ये स्टेट एलिमिनेट करने का प्रोसीजर भी और रेगुलर एक्सप्रेशन को लिखने का प्रोसीजर भी आपके सामने आ गया। तो हमने अब वही कर रहे थे कि लैंग्वेज को लेके उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन बना ली। तो पहले में हमने क्या किया था, रेगुलर एक्सप्रेशन लेके उसकी लैंग्वेज बना ली थी। तो ये दोनों काम हो गए, तो दोनों सबसेट हो गए, तो आपका प्रूफ का दूसरा पार्ट भी हो गया और ये प्रूफ मुकम्मल हो गया। ठीक है जी, उसके बाद आती है स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेगुलर लैंग्वेज। आम तौर पे जो रेगुलर लैंग्वेज को आप DFA से रिप्रेजेंट करते हैं, NFA से रिप्रेजेंट करते हैं और रेगुलर एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हेन वी से वी आर गिवन अ रेगुलर लैंग्वेज, इसका मतलब है लैंग्वेज इज अ स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ DFA, NFA और RE। ठीक हो गया जी, ये यहाँ पे स्लाइड खत्म हो गई है। इसके बाद जो है हमारे पास है जी, टाइम कितना हुआ है, तो अब ये भी सेशन जो है वो एंड होने लगा है, तो इसको भी हम करते हैं क्लोज, तो ताकि फिर तीसरा सेशन स्टार्ट हो। जी जी, जब आप दोबारा लेक्चर रिज्यूम करने लगे सर एक मैसेज कर दिया करें, पता नहीं चलता कि क्लास कब स्टार्ट हुई। चलिए मैं मैसेज कर लेता हूँ। ठीक हो गया, मेरे ख्याल हम 5-10 मिनट के बाद करेंगे, कि थोड़ा सा मेरा हलक भी जो है ना वो खुशक हो रहा है, पानी वगैरह पीता हूँ। 10 मिनट तक करते हैं। ओके सर।